नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। यूपी में दलित लड़कियों की मौत का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया डिटेन। तमिलनाडु, नहीं थम रहा सीवर में मौतों का सिलसिला। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 13,193 नए मामले। 34 दिनों में 1 करोड़ लोगों को दी गई वैक्सीन। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सरकार के निजीकरण का विरोध करते हुए शुक्रवार को देश की सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया। AIBEA ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे अगले महीने संसद तक मार्च करेंगे। इसी महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच के दौरान 2 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के निजीकरण की योजना की घोषणा की थी। AIBEA ने एक स्टेटमेंट में कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी और 9 यूनियन सरकार के प्रस्तावों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज शुक्रवार के धरने के बाद बैंक यूनियंस अगले 15 दिनों में देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और 10 मार्च को वे बजट सत्र के दौरान संसद के सामने भी धरना प्रदर्शन करेंगे। AIBEA के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं। निजीकरण एक बुरा विचार है। यदि सरकार आर्थिक विकास के बारे में गंभीर है तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों के सामने एक ही समस्या है और वो है बैड लोन्स, और ये बैड लोन्स मुख्यतः बड़े कॉरपोरेट और उद्योगपतियों के हैं। उन पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार बैंकों का निजीकरण कर उन्हीं के हाथों में सौंपना चाहती है। AIBEA ने यह भी कहा कि आजादी के वक्त कोई भी बैंक देश के आर्थिक विकास में हाथ बटाने के लिए सामने नहीं आया था, इसलिए 1969 में प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जरूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बुधवार शाम 3 दलित नाबालिग लड़कियों को अचेत अवस्था में पाया गया। 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई जबकि तीसरी एक 17 वर्षीय रेजेंसी अस्पताल कानपुर में अपने जीवन के लिए जूझ रही है। इसी सिलसिले में आज छात्र संगठनों ने दिल्ली के यूपी भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आखिर क्यों घटना के बाद दलित लड़कियों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई। उन्होंने अपनी मांगों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात की, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों को डिटेन कर लिया। आइए देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम लोग यूपी भवन पे पहुंचे, यूपी भवन का घेराव करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 जब से BJP पावर में आया है तब से महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर जो हमला है वो कई गुना बढ़ गया है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा किस तरीके से उन्नाव में कुलदीप सेंगार जो है उन्होंने महिला का रेप किया, उसके बाद कॉन्स्पिक्यूअसली उनके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया और अब जाके उनको कॉन्विक्शन मिला है। आज बहुत सारे छात्रों छात्र संगठन ने यूपी भवन के बाहर प्रोटेस्ट निकाला था। हमारा प्रोटेस्ट 12 के अराउंड शुरू हुआ था, वहाँ पर SFI था और भी बहुत सारे छात्र संगठन थे। 10 मिनट के अंदर अंदर हमें बहुत ब्रूटली डिटेन किया गया था। हम लोगों को अपना प्रोटेस्ट रखने नहीं दिया गया और उसी समय में हम लोगों को डिटेन कर लिया गया। और ये अपर कास्ट का पॉलिटिक्स है, उसी के तहत ये लोग ये सब कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ, जहाँ पे भी BJP की सरकार है, गर्भवती महिलाओं से हिंसा होती है और 1 महीने से FIR नहीं होती है। और मतलब इतना सब होने के बाद भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं छोटे लोग उठा के डाल देते हैं डिटेन करने के लिए। और बात सिर्फ डिटेन करने की नहीं है, बात ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई ना समाज में ना सरकार की तरफ से कोई वेकअप कॉल नहीं है। मतलब चीज़ें चलती जा रही हैं और मतलब जो भी कोई उसके खिलाफ उसको तो डाल देते हैं, लोग अरेस्ट कर लेते हैं, तो सारे एक्टर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। हम देखें काठुआ में 4 साल की लड़की का जब रेप हो जाता है
तो बीजेपी उनके रेपिस्ट के सपोर्ट में रैली निकालता है। हमने देखा किस तरीके से हथरस में दलित महिला का रेप करते हैं और पुलिस, यूपी पुलिस उनको जला देती है कोवर्ट तरीके से, उनके महिला के बॉडी को, उनके फैमिली को भी नहीं देती। पहले रेप होता है महिला का और फिर इन डेथ ऑल्सो शी डज नॉट गेट डिग्निटी बिकॉज ऑफ द यूपी पुलिस एंड यूपी गवर्नमेंट। हम यही डिमांड करते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है, अजय सिंह बिस्ट जिनका नाम है, वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें, क्योंकि जो महिला विरोधी और मनुवादी सोच के साथ ये सरकार चला रहे हैं ये नहीं चलेगा। दलितों पे हमला नहीं चलेगा, महिलाओं पे हमला नहीं चलेगा, इसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हैं। चाहे शाह के दलाल हम लोग को कितने बार भी अरेस्ट करें, कितने बार भी डिटेन करें, हम लड़ाई मजबूत करते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिलती। तो किस तरीके से यहाँ पे देश में सिचुएशन बना दिया गया है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, आपको उठा लिया जाता है, आपको पुलिस बेचारती झेलना पड़ता है, आपको घूस घूस के हम लोगों को बस में भरते हैं। तो सरकार जिस तरीके से लोकतांत्रिक होने का दावा कर रही है, ये लोकतांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ना रेजिस्टेंस का है, ना यहाँ पे दलितों की हत्या की जा रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे तुरंत डिटेन कर लिया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र एकदम बिल्कुल ही जा चुका है। तो मुझे लगता है कि आज स्टूडेंट्स एंड आज पीपल आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट इट एंड रेगुलरली स्टैंड अप अगेंस्ट इट। और अब तो कोई मतलब पीछे रहने का कोई वक्त ही नहीं रहा है, अब तो बहुत ही चीज़ें खराब हो चुकी हैं। और यूपी सरकार का हम लोग बात करते हैं कि यूपी सरकार जिस तरीके से हत्याएं करती है, हर किसी एक महीने में दलित का रेप हो जाता है, वहाँ पे ना कुछ आज़ादी है, वहाँ पे स्टूडेंट का कुछ नहीं करा जा सकता है। तो हम लोगों को लड़ना बहुत ज़रूरी है इसीलिए, और आज हम लोग यहाँ पे अपनी बात रखने आए हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन में रह के भी अपनी बात रखेंगे। अभी छोड़ा गया है इस डिटेनमेंट में, ना ही हमें पानी दिया गया है, ना ही खाना दिया गया है। हमने उनको बार बार बोला कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट थे, हम लोग पॉलिटिकली डिटेन हुए हैं, आपको हमें खाना पानी देना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया गया था हमें। जो आज प्रोटेस्ट था वो उन्नाव की जो अभी रिसेंट घटना है उसके खिलाफ ज़रूर था, लेकिन वो यूपी पुलिस का जो एक व्यवहार रहा है अपने सिटीजन जो यूपी में लोग रहते हैं उसके खिलाफ था। बीजेपी का जो व्यवहार रहा है, एनडीए का जो व्यवहार रहा है, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके जो व्यवहार रहा है उसके खिलाफ था। यूपी में जब से योगी की सरकार आई है हम देख रहे हैं कि एक तरह से जो शोषण होता है महिलाओं का, छात्रों का, बच्चों का, बच्चियों का, बूढ़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का, हम सब जानते हैं कि वो कैसा शोषण होता है और किस किस तरह से इन जो तबके के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। हम डिटेन हुए हैं, अभी हमें छोड़ा गया है, लेकिन जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई। हम बोलते रहेंगे जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उनको जेल नहीं मिलता है और जब तक मोदी, शाह, योगी अपना इस्तीफा नहीं देते। तमिलनाडु में 4 दिनों के अंदर सीवेज की सफाई के दौरान 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 14 फरवरी को कांचीपुरम जिले में एक ही दिन में 3 मौतें हुई और 3 दिन बाद 17 फरवरी को चेन्नई में एक और की मौत हुई। कांचीपुरम में हुई घटना के तुरंत बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन दलित राइट्स एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई और कहा कि इन दुखद घटनाओं के बाद केवल राहत प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, सरकार को इस क्रूर प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए। नियोजन अधिनियम के अनुसार मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांचीपुरम की घटना में एक कैटरिंग फर्म के सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे 3 लोगों ने एक के बाद एक अपनी जान गंवा दी। जब सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने वाले मुरुगन ने कॉल का जवाब देना बंद कर दिया तो भाग्यराज और अरुमुगम ने उसे बचाने के लिए टैंक में कदम रखा, लेकिन तीनों लोग जहरीले धुएं के गुब्बार में समा गए। केंद्र सरकार के अनुसार मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण तमिलनाडु में अपनी जान गंवाने वालों की संख्या में के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। सरकार के आंकड़ों की माने तो पिछले 5 वर्षों में मरने वालों का आंकड़ा 43 है, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के जमीन पर काम करने वाली संस्था सफाई कर्मचारी आंदोलन की रिपोर्ट कहती है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा यानी 69 है। 1993 के अधिनियम में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 2013 अधिनियम में उनके पुनर्वास के लिए भी प्रावधान है, लेकिन तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन फ्रंट के सचिव सैमुअल राज ने न्यूज क्लिक को बताया कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। 2013 अधिनियम की कई चीजों के बारे में बात करता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को कैसे रोका जाए, सरकार को क्या उपाय करना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार 19 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,193 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 97 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 10,896 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 2,200 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,09,63,394 हो गई है, जिनमें संक्रमण के कारण 1,56,111 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.30% यानी 1,06,67,747 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.27% यानी 1,39,542 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 1,01,88,007 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 6,58,674 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.